अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू पीपल आर डूइंग वेल। चैप्टर नंबर 12 हमारा स्टार्ट है, जो कि पर्सनालिटी के बारे में है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पढ़ी थी। सेकंड लेक्चर में हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग पर्सनालिटी पढ़ी थी, जिसमें हमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी पढ़ा था, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम पर्सनैलिटी थेरीज पढ़ रहे थे। स्टार्ट जो था वो हमारा साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव था, जिसमें सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी हम डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी और उसके साथ साथ रीजन्स ऑफ माइंड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्रॉयड। आपने फर्स्ट पे इस तरह से कॉलम बनाना है। टोटल जो है वो 5 स्टेजेस हैं जो सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी। फर्स्ट पे स्टेजेस का कॉलम बनाओगे, सेकंड पे ईयर्स लिखना है, थर्ड पे रोजीनियस जोन लिखना है, जिस तरह से इसको प्रोनाउंस करना आपको रेड में नज़र आ रहा होगा, और लास्ट पे आपने एक्टिविटीज़ मेंशन करनी है। अब रोजीनियस जोन क्या होता है? एंड रोजीनियस जोन इज़ एनी एरिया ऑफ द बॉडी डैट इज़ प्लेयरेबल टू टच। ठीक है, वो पार्ट ऑफ बॉडी होता है जिसको टच करने से इंडिविजुअल को प्लेयर मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज हमारे पास ओरल स्टेज है, जो कि बर्थ से लेकर 1 ईयर तक रहती है। रोजीनियस जोन जो है यहाँ पे माउथ है। तो क्या मतलब हुआ कि जो बच्चा होता है ना, एक साल तक उसका रोजीनियस जोन जो है वो माउथ होता है। ठीक है, वो माउथ के ज़रिए प्लेयर रिसीव करता है हर चीज़ को। बच्चा अगर आप नोटिस करें तो वो मुंह में डालता है, और ये 0 से लेकर 1 ईयर्स तक होता है। अब यहाँ पे उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सकिंग होता है, बाइटिंग होता है, इस तरह से करके ना वो प्लेयर सीक करता है। अगर इस स्टेज पे बच्चे की फिक्सेशन हो जाए तो हो सकता है कि बच्चा बड़े होके स्मोकिंग की तरफ चला जाए। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो एनल स्टेज है, जो कि 2 से लेकर 3 साल तक होती है। बाउल एंड ब्लैडर इरोजीनियस जोन होता है, और एक्टिविटीज़ की बात करें तो 2 से लेकर 3 साल तक के बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। उसको टॉयलेट ट्रेनिंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है। अगर इस स्टेज पे फिक्सेशन हो जाए तो इंडिविजुअल में की पर्सनैलिटी जो है, हो सकता है या बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाए उसकी पर्सनैलिटी, ऑर्डर लाइनेस हो जाए, हर चीज़ को तरतीब से रखना शुरू हो जाए, पंक्चुअलिटी हो जाए, या फिर हो सकता है कि एक्सट्रीम लेवल की डिसऑर्डर लाइनेस हो जाए उसमें। तो ऑर्डर लाइनेस क्या कि हर चीज़ वो ऑर्गेनाइज वे में रखना शुरू कर देगा, या फिर डिसऑर्डर लाइनेस क्या होगा कि हर चीज़ इधर उधर बिखरी नजर आएगी। अब फिक्सेशन की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो आप, फिक्सेशन इज अ परसिस्टेंट फोकस ऑन एन अर्लियर साइकोसेक्चुअल स्टेज। जो फर्स्ट या पहले वाली साइकोसेक्चुअल स्टेज होती है उस पे परसिस्टेंट फोकस रहता है। ठीक है, वो स्टेज जो है या वो जो फिक्सेशन पे जो प्लेयर जिसे वो सी करता है वो अच्छे से उसका रिजॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, अनटिल दिस कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड द इंडिविजुअल विल रिमेन स्टक इन दिस स्टेज। ठीक है, जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक इंडिविजुअल उस स्टेज पे स्टक रहता है। अ पर्सन हु इज़ फिक्सेटेड एट द ओरल स्टेज फॉर एग्जाम्पल मे बी ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड मे सीक ओरल स्टिमुलेशन थ्रू स्मोकिंग ड्रिंकिंग और ईटिंग। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर ओरल स्टेज पे फिक्सेशन हो जाती है तो इंडिविजुअल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो दूसरों पे, या फिर वो ओरल स्टिमुलेशन जो सीक करता है उसके वो ईटिंग ज़्यादा करना शुरू कर देगा, च्यूइंग करेगा, स्मोकिंग की तरफ भी जा सकता है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास फेलिक्स स्टेज है, जो कि 3 to 6 ईयर्स तक होती है। इसमें इरोजेनियस जोन जो है वो जेनिटल्स होती हैं। अब जेनिटल्स क्या होते हैं? प्राइवेट पार्ट्स आप इनको कह सकते हैं, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। अब इसमें चाइल्ड की एक्टिविटी क्या होती है? एक्सेसिव अटैचमेंट टू द पेरेंट ऑफ ऑपोजिट सेक्स। के फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की है ना तो उसकी एक्सेसिव अटैचमेंट किससे होगी? फादर से, जो कि उसके ऑपोजिट सेक्स है। इसी तरह अगर सन है तो सन की एक्सेसिव अटैचमेंट किससे हो जाएगी? मदर से हो जाएगी। दो इश्यूज यहाँ पे आते हैं स्टेज पे, एक है ओडिपस कम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। अब जब मैं डिटेल आपको पढ़ाऊंगी ना इसी वीडियो में, तो फिर मैं आपको बताऊंगी ओडिपस कम्प्लेक्स क्या है और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स क्या है, और ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास लेटेंसी स्टेज है, जो कि 6 ईयर से लेकर प्योबर्टी तक रहती है। अब प्योबर्टी
इज़ द टाइम इन लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम्स सेक्चुअली मैच्योर। ठीक है, जब सेक्चुअली बॉय या गर्ल मैच्योर हो जाते हैं तो उस स्टेज को हम प्योबर्टी कहते हैं। प्योबर्टी इज़ द स्टेज इन समवन्स लाइफ व्हेन देयर बॉडी स्टार्ट्स टू बिकम फिजिकली मैच्योर। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जब बॉडी फिजिकली मैच्योर होना शुरू हो जाती है तो वो हमारी प्योबर्टी स्टेज होती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स में के बॉडी पार्ट्स में चेंज आता है और उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी दोनों में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन जो हैं वो टॉलर हो जाते हैं, हैवियर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, और उसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन्स में चेंजेस आती है, ब्रेन में, स्किन में, हेयर, टीथ एंड स्वीटनेस में। अब इस स्टेज में सेक्सुअल फीलिंग्स जो हैं वो इनएक्टिव होती हैं, और एक्टिविटी की बात करें तो सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विथ सेम सेक्स पीयर्स। ठीक है, अगर फीमेल है तो वो फीमेल्स के साथ खेलना पसंद करेगी, अगर मेल है तो वो मेल के साथ खेलना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जो सोशल नेटवर्किंग होती है ना बच्चों की वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज जेनिटल स्टेज है। ईयर्स की बात करें तो बियॉन्ड प्योबर्टी से लेकर डेथ तक, मतलब एक बार इंडिविजुअल की फिजिकल बॉडी जो है, हार्मोनल चेंजेस सब कुछ हो जाता है, तो तब से लेकर ना डेथ तक ये स्टेज चलती है। इरोजेनियस जोन की अगर बात करें तो मेच्योर्ड सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है ना वो इंसान का मेच्योर हो जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स आर अटैच टू अपोजिट सेक्स पीयर्स। ठीक है, अब अगर गर्ल है तो वो बॉय के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट कर देगी, अगर बॉय है तो वो गर्ल के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे इस स्टेज पे क्लियर कट उनको डिफरेंस पता चल जाता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर चलनी है, किस इंडिविजुअल से कैसे बात करनी है, कौन स्ट्रेंजर है और कौन फ्रेंड है, और ये सारी चीज़ें जो है ना इस स्टेज पे आके कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि आपको जिस तरह मैंने बताया कि बियॉन्ड प्योबर्टी से लेकर डेथ तक होती है, तो इस एरिया के दौरे इंडिविजुअल बहुत से लाइफ एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, वो अच्छे भी होते हैं, वो बुरे भी होते हैं, और इस तरह से उसकी लाइफ में चेंजेस आती रहती हैं। अब अगर डिटेल में आपसे सवाल पूछा जाता है तो नोट्स आपके सामने इस तरह से करके आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ओरल स्टेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एनल स्टेज भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है टेबल के थ्रू। थर्ड स्टेज हमारे पास फेलिक स्टेज है, जिसमें दो टर्म्स मैंने आपको कहा था मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, एक ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरा इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो इस स्टेज को पढ़ते हैं। एट अबाउट एज 3 द फेलिक स्टेज बींग्स एट दिस स्टेज मेल बींग्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन हिज मदर। ठीक है, ऑपोजिट जेंडर जो है उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है एंड स्टार्ट टू सी हिज फादर एज अ राइवल विच फ्रॉइड कॉल्ड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब फादर को वो अपना जो है वो एनिमी समझता है। ठीक है, फिर इस स्टेज पे एक आइडेंटिफिकेशन की टर्म आती है जिसके थ्रू बच्चा जो है ये आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा फादर है, राइवल नहीं है। ठीक है, और इसको हम ऑडिपस कम्प्लेक्स का नाम देंगे या कॉन्फ्लिक्ट का नाम देंगे। अब इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा कि बच्ची जो है वो अपनी मदर को एज अ राइवल समझेगी और फिर वो विद टाइम आइडेंटिफाई करेगी कि ये राइवल नहीं है बल्कि ये मेरी मदर है, और इस तरह से करके इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर इस स्टेज पे फिक्सेशन हो जाती है तो फिर इंडिविजुअल जो है वो सेक्स रोल बिहेवियर जो है या फादर को या मदर को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और उसी तरह वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो फादर या मदर को ऑपोजिट सेक्स को राइवल समझता रहेगा। उसके बाद लेटेंसी स्टेज है, वो भी मैंने आपको टेबल में एज इट इज़ अच्छे तरीके से समझा दी है। और लास्ट स्टेज हमारे पास जेनिटल स्टेज है, और ये भी मैंने आपको टेबल में अच्छे तरीके से समझा दी है। अब जब आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।